हेलो दोस्तों, तो मेरे काम में मॉर्निंग हो चुका है और ये आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोग का। तो ये देखो अपना रेड कलर का सूरज आ गया है और इधर भी लोग रहते हैं, फिर सामने लोग रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ढेर सारे जंगल हैं आगे, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो मम्मी सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और ये सब सब चूल्हे की साफ़ सफाई करने लगी हैं उठ के। अभी इसके बाद वो बर्तन भी माँज चुके हैं और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ माँजने के लिए तो ये तवा था और इस तवे को भी माँज रही हैं, माँज माँज के साफ कर देंगे। और ये मेरे बड़े पापा कल परोरा, हम लोग शाम को तोड़े थे परवल, तो ये ले चुके हैं और ये ले जाएंगे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मार्केट में, मंडी में बेचने के लिए। तो हमने ये साइकिल लेकर आ गए हैं दूध पहुंचाने के लिए और ये जो सामने गांव दिख रहा है ना, यहीं पर मुझे जाना है दूध पहुंचाने के लिए, तो मैंने दूध ले लिया है। तभी 1 किलोमीटर अभी और हो जाना है मुझे, तो निकलते हैं साइकिल लेके। अभी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आपने ये जो रूट है ये देखा होगा ना, ठीक है, मेरे वीडियो में देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा ये। तो अभी चूँकि मॉर्निंग का समय है तो कुछ ऐसा दृश्य है, तभी लोग कुछ लोग आए हैं खेतों में काम करने के लिए, कुछ लोग घर ही पे हैं अपने गाय भैंस में का काम कर रहे हैं। और ये देखो कुछ लोगों ने अपने खेत भी जोत दिए हैं, खेत तैयार कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये दूसरा गांव है और ये छोटू जा रहा है साइकिल से। और ये भाई जी अभी तक सुबह तक सो रहे हैं। ये तीनों गप्पे मार रहे हैं पुल पर बैठ के और यहाँ से बस डेयरी वाले के पास मैं पहुँचने वाला हूँ। ये लोग हैं भेड़ बकरी का पालन करते हैं और सामने जो दिख रहा है वो उसमें मुर्गी पालन ये लोग करते हैं। तो ये मैं डेयरी पे पहुँच चुका हूँ, भैया डेयरी का हिसाब किताब कर रहे हैं, इसका फैट मेजर करते हैं, फैट मेजर करके उसका रेट बता देते हैं। अब यहाँ से मैंने दूध दे दिया है, अब चलते हैं घर वापस की तरफ। ये इसी गांव का कुआं है, आप इसमें देखो कितने कितने पाइप लगे हुए हैं, मोटर लगे हुए हैं, आप गिनोगे ना तो 5 हैं और इसमें लगातार वो चलते हैं ना तो भी इस कुएँ का पानी ख़त्म नहीं होता। इस कुएँ का वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है। काफी गहरा कुआं है ये तो। मैं घर पर बस पहुंचने ही वाला हूं और ये इन लोगों ने बीच में अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, इनके ट्रैक्टर में रोटावेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसे ये लोग सही कर रहे हैं। एक और ही हो जा। तो ये तार अभी टूट गया था, गर्म होकर हम लोगों ने ज्वाइंट किया था कल, तो ये टूट गया है, तो अभी इसका कनेक्शन करना है। और इधर इधर हमने यहाँ से फ्यूज से ये फ्यूज से इसका इसका निकाल दिए हैं कनेक्शन। अब इसके बाद अब जा रहे हैं कनेक्शन करने के लिए। तो जो ट्रैक्टर से सुबह खेतों की जुताई कर रहे थे वो सारे खेत इन लोगों ने तैयार कर लिए हैं, रोपाई धान रोपाई का समय आ चुका ना इसलिए। तो आज दोपहर में काफ़ी तेज़ बारिश हो गया तो मैंने इसका टाइम लैप्स बना लिया है, तो आप लोग इसके टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। मतलब काफ़ी अच्छी बारिश हुई आज दोपहर में मेरे गांव पे।
तो मैंने इसका ट्रैक्टर का जो भैया जुताई कर रहा था तो उसका टाइम लैप्स बनाया है। देखिए इसका टाइम लैप्स कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अभी भैया ने ये वाला जो खेत है ना इस खेत को जोत दिया है और वो अभी जोत रहे हैं उधर, वो बड़े पापा मेड़ पर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों वो वाला खेत है ना, वो खेत जोत दिए हैं, ये खेत जोत दिए हैं, ये खेत जोत दिए हैं और ये जोत रहे हैं और ये मेरे पापा अभी इसकी खेत को भी जुताई कर रहे हैं। दोस्तों इधर पेड़ गिर गया था बारिश में, इसकी कटाई चल रही है, इधर खेत की जुताई हो रही है। भाई साहब के ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए थोड़ा सा घूम रहे हैं और गांव से अपना सामान मंगाए हैं सही करने के लिए, और अभी इतना जोत दिया गया खेत अपना। तो ये बैटरी लेकर आ गए हैं, बैटरी चेंज करने का अपने ट्रैक्टर का, और इनका बैटरी डिस्चार्ज हो गया ट्रैक्टर का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, इनका ट्रैक्टर बन चुका है, सही हो चुका है और खेतों की जुताई कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करते हैं।